इन टोटल पूरे भारत में कितने सेंटर है आकाश के? साढ़े चार सौ साढ़े 400 सेंटर्स। बिग गेम। तो सर ये जो लाइफ में कोई इंसान 30,000 रुपए कमाएगा कि 3 लाख रुपए कमाएगा, अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं लाइफ में? ये चाह नहीं कि मेरे को पैसा होना चाहिए, लेना आता है देना। तो मैं पैसा आपको कुछ नहीं दे सकता, मेरा मतलब है अच्छा काम करो, खाली बैठ के क्या कर रहा है? तो कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए जब तक हाथ पैर चल रहे हैं। 12 बच्चे 7 बच्चे सेलेक्ट हुए मेरे इनकम में। वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान दो, चीज बड़ी अपने आप बनती चली जाती है। आपने सिर्फ वैल्यू को क्रिएट करने पे ध्यान दिया, वो भी छप्पर फाड़ दे रहा है। अगर हमने गिनना शुरू कर दिया वो भी गिनेगा, वो गिनने का नुकसान है। सही बात है, वो गिन लेगा तो नुकसान है। कामयाबी किसको कितनी मिलेगी, ये क्या किस्मत में लिखा हुआ होता है या अपने कर्मों से हम अपनी कामयाबी को लिखते हैं? इस बात पर हर किसी का पर्सपेक्टिव उनके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए कामयाबी क्या है, तो अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और आज हम हमारे गेस्ट से जानने वाले हैं कि उनकी कामयाबी का राज क्या है, उनकी न्यूमरोलॉजी की नॉलेज या उनका बिजनेस एक्यूमेन। सो प्रेजेंटिंग यू मैन बिहाइंड इंडियाज लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, चेयरमैन ऑफ आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो एक बहुत बड़ा नाम है मेडिकल की तैयारी में, जेई की तैयारी में, एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ आकाश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड एंड एन एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर JC चौधरी, ओनली ऑन द रिच, पावर्ड बाई आई डिजिटल प्योर, मोस्ट प्रीमियम डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। सर जैसा अभी आप बता रहे थे आपसे बात करते हुए कि 42 इयर्स ऑफ एज में आपने क्लास 1 पोजीशन से रिजाइन किया और उसके बाद यू स्टार्टेड विद आकाश सिर्फ 12 बच्चों के साथ। यस। इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्यों आपने रिजाइन किया, इतना बड़ा रिस्क 42 इयर्स में कैसे ले लिया? क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फैमिली होती है, लोग अमूमन लोग नहीं कर पाते, इतना रिस्क नहीं लेते हैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ना। वो भी गवर्नमेंट जॉब में लिमिटेशंस बहुत होती है, रिस्ट्रिक्शन बहुत होती, और मैं चाहता कोई अपना ही एक एम्पायर बनाया जाए, और पढ़ाने के ऊपर मुझे अपना कॉन्फिडेंस है सब्जेक्ट के ऊपर कि कॉलेज नहीं भी चलेगा तो भी 2-4 ट्यूशन पढ़ा के उतने पैसे कमा लेंगे जितने मुझे आते। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? मैं 2 पढ़ाता था, बॉटनी और जूलॉजी। तो मेडिकल का एंट्रेंस का 50% सिलेबस मैं पढ़ाता था। वाह। एक फिजिक्स का टीचर चाहिए था, केमिस्ट्री का। हाँ। तो 4 सब्जेक्ट चाहिए होते। हाँ। 2 में पढ़ाता था। सही बात। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। सही बात। तो मतलब बिजनेसमैन बाद में, पहले आप टीचर थे, आपकी स्किल पे पकड़ बहुत जबरदस्त थी है ना, और बिजनेस तो बाद में करते करते आया। बिजनेस का तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस रहा नहीं होगा? कोई एक्सपीरियंस नहीं, मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हाँ। और एजुकेशन में पढ़ाने में अच्छा था। हाँ। तो ये रेयरली होता है कि एक टीचर अच्छा हो और एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो। सही, बहुत रेयर। या तो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होगा, टीचर नहीं होगा। हाँ, या तो टीचर होगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो मेरे को लकीली दोनों क्वालिटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक था मैं और टीचर भी ठीक था, तो मुझे लगा कि रिस्क ले सकते हैं। रिस्क था, अपने रिस्क दिमाग में नहीं था क्योंकि इतना तो पता था कि आप उतना पैसा कमा सकते हैं जितना आप तनख्वाह में लेते हैं। उस टाइम कितनी तनख्वाह थी सर? 42 इयर्स, कौन से ईयर की बात होगी ये? मेरी थी करीबन 94 नवंबर, मेरे पैदा होने से पहले की बात कर रहे हैं सर। मैं 97 बॉर्न हूँ, दिसंबर 94 था। ठीक है, तो उस टाइम पे तनख्वाह कितनी थी? मेरे ख्याल में कोई करीब ज्यादा नहीं थी, और 1500-1600 रुपए। ठीक है, तो उतना तो 12 बच्चों से ऑलमोस्ट बन रहा था। ट्यूशन से आधे पैसे बोले जाते थे फिजिक्स वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले। हाँ, आधे मिल पा रहे थे। बिग रिस्क। तो कैसे कैसे ऑफलाइन में मार्केटिंग आपने उस टाइम पे कैसे करी, थोड़ा सा मैं डाइव करना चाह रहा हूँ फास्ट में, क्योंकि आज तो फेसबुक एड्स है, 70 चीजें हैं जिससे इंसान मार्केटिंग कर सकता है। उस टाइम पे कैसे मार्केटिंग करी? मेरी जो लाइफ का जो चेंजेस आए वो हमेशा ये आए करीब करीब 94 के अंदर। ठीक है। तो मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरे 12 बच्चों में 7 बच्चे सेलेक्ट हो गए मेडिकल कॉलेज में। 12 बच्चों में से 7 बच्चे मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हो गए, ठीक है, एंट्रेंस क्लियर। तो उसके बाद से हर साल ही सेलेक्ट होते गए और नंबर बढ़ता गया। तो एक बच्चा मेरे को ये था कि सेटिस्फाइड हो गया, डॉक्टर बन गया है, तो 4 तो भेजेगा ही। तो नेक्स्ट सेशन वर्ड बन जाए वर्ड ऑफ माउथ से। तो आई बिलीव इन वर्ड ऑफ माउथ, इसलिए मैंने कोई ऐड नहीं की, अच्छा पढ़ाने पे जोर दिया।
तो 94 में मेरे पास एक एजेंट आया कि भैया ऐड दीजिए। मैंने कहा ऐड में क्यों पैसा वेस्ट करें, क्यों वेस्ट करें, हमारे बच्चे ही जो है इतने सेलेक्ट हो जाते हैं, हमें जरूरत नहीं है। 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए तो 400-500 बच्चे वैसे हो जाएंगे, नो नीड। डोमिनिक लड़का था वो, तो उसने बड़ा मुझे इस तरह समझाया कि ये गणेश महावीर अगर आप कॉलेज चला रहे हैं, आपके कॉलेज के सामने एक दुकान है, तो अगर इस दुकान में कोई आदमी आ जाता है अपना कॉलेज खोल लेता है और वो कुछ करोड़ रुपए अपने साथ लेके आता है, तो आपके जो टीचर है कितनी है, मैंने 7-8, तो कहते हैं इनको अगर डबल सैलरी होते थे तो क्या करोगे, तो आपके टीचर रुक जाएंगे, मैंने शायद नहीं। कहते हैं टीचर चले गए बच्चों क्या होगा, वो उसके पीछे चले जाएंगे, मैंने हाँ। तो कहते हैं सर कोई आदमी 2 करोड़ रुपये लेके आपका कॉलेज को बंद कर सकता है, 2 करोड़ रुपए के लेके, सही बात। तो अगर आपका बेस पूरे इंडिया में होगा, हर जगह होगा, तो एक जगह अगर डूब जाएगा दूसरी जगह तो चलेगा, तो यू विल नॉट फिनिश। तो ये बात मेरी उसके समझ में आ गई, दिमाग में घुस गई बात। तो फिर तो जो सिलेक्शन हुआ तो फुल पेज हिंदुस्तान टाइम में ऐड देने शुरू कर दी। बिग इंडस्ट्री, मैंने 8 पेज की ऐड दी टाइम ऑफ इंडिया। जबरदस्त सेल्समैन था वो आदमी, एकदम अच्छे से पेन पॉइंट पकड़ के समझा गया। हाँ, 8 पेजेस टाइम्स ऑफ इंडिया में, 8 पेजेस हिंदुस्तान में, मैंने आज तक रिकॉर्ड है प्रिंट मीडिया का। एयरटेल के 7 पेज की ऐड आई थी, मेरी 8 पेज की ऐड थी, एयरटेल से भी ऊपर। सही, मैं फोटो छपती थी पन्ना पलटो, हमारे फोटो सारे फोटो आ रहे यार, खत्म ही हो रही फोटो। मुझे बड़ा शौक मिलता था कि बच्चों की फोटो छापू, बच्चा भी दिखाता अपने यार दोस्तों को, मैंने फोटो छपी है, फोटो छपी है मेरे, तो वो एक अच्छे से सारे रिश्तेदार पता लग जाता था। तो तब फिर मेरा वो मीडिया का ऐड का इम्पोर्टेंट पता लगा। इतने इंस्टीट्यूशन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कैसे बना है, मतलब और वो भी आप बता रहे हैं कि आपने सारे खरीदे हैं जड़ से, तो वो कैसे धीरे 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 किया होगा? 10 साल तक तो मैंने कोई फ्रेंचाइज नहीं दिया, दिया ही नहीं फ्रेंचाइज ना। ठीक है, 10 साल के बाद दिया पहला ईस्ट दिल्ली में, ठीक है, और 25 साल तक मैं लगभग नॉर्थ इंडिया में रहा, 20-25 साल नॉर्थ इंडिया में। हाँ, सारे सेंट्रल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया नहीं गया। ठीक है, फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि साउथ इंडिया एक्सप्लोर करें, तो साउथ इंडिया में जाने के लिए थोड़ा दिमाग में रहता था कि वहाँ पर सब कुछ इनके साथ इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, हिंदी तो बोलते ही नहीं, समझ जाती, पता नहीं कैसे चलेगा। फिर मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, तो डर सिर्फ आप में नहीं है, सर में भी है, मजाक कर रहा हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा एक ऐड दूंगा मैं साउथ इंडिया में तो खर्चा बहुत हो जाएगा, सही बात है। तो पहले ही साल 12 सेंटर खोलते हैं, तो मैंने 12 लोकेशन हैदराबाद से नई सब फाइंड आउट की, और उसके बाद फिर वहाँ पर मैंने 12 लोकेशन एक ही बार ऐड निकाल दी, वो खर्चा डिवाइड हो गया। 12 सेंटर आपने किया एक साथ, ऐड का खर्चा 12 डिवाइड हो गया, तो दैट वाज द पॉइंट। पर इंफ्रा का खर्चा कितना बड़ा होगा 12 करने में? वो सारा का सारा रेंट पे थे। अच्छा, मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ दिल्ली में, बाहर सब किराए पे। ठीक है, ठीक है, बाहर कुछ ही परचेज किया। सही, तो वहाँ पर जब इतने सेंटर खोल दिए तो सारे टीचर, बड़े टीचर कहाँ से आएगा, आकाश वाले टीचर कहाँ से आएंगे, मेरा टीचर आ जाएगा चिंता नहीं करो, जब अपने आप पढ़े सिर पे सब पूरा कर लेंगे। तो टीचर भी हमने अरेंज कर दिए, तो हर साल फिर 20-20 सेंटर 15-15 सेंटर खोलते गए, तो विद इन 4 ईयर्स टाइम हमारे वहाँ पर भी करीब 70-80 सेंटर साउथ इंडिया में। इन टोटल पूरे भारत में कितने सेंटर है आकाश के? 450 450 सेंटर्स हैं। बिग गेम, बिग थिंग, 4.5 लाख स्टूडेंट्स। हाँ, तो व्हेन डिड यू प्लान टू सेल इट ऑफ, मतलब जब बायजूस का आपके पास कब आया ये प्रपोजल कि हम खरीदना चाहते हैं, और किन टर्म्स पे बेच दिया? बायजूस से पहले ब्लैकस्टोन का आया था, ब्लैकस्टोन, ही टुक आवर इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो करीब 35% उसने हमसे ले लिया था, ठीक है। तो ये डीडी सारे मेरा बेटा ही करता था, आकाश इनका नाम है जिनके नाम पे इंस्टीट्यूट है, वही सारे बात करता था जी, मैं तो अपने पढ़ा रहे में बस रहता था जी, तो ही वॉज इन डीलिंग विद देम। तो साल के बाद ब्लैकस्टोन के बाद फिर बाकी जो शेयर बचे थे वो बैजू ने बात करनी शुरू की, तो सारी डिस्कशन आकाश उनके साथ कर लेता था, अब मुझे आगे ब्रीफिंग करता था ये कर रहा है, मैंने ठीक है जो तुम ठीक समझते कर लो। तो अल्टीमेटली फिर काफ़ी नेगोशिएशन काफ़ी बार होती है, टू एंड फ्रो चलता रहता है, वो कम से कम देने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा ज़्यादा मांगने की कोशिश करते हैं, सही बात है। तो फाइनली कहीं एक सेटलमेंट हुआ,
और उस सेटलमेंट के बाद में इसको सेलेक्ट कर दिया। सो व्हाट वाज द कैश अप फ्रंट, मतलब कितने पे क्या इक्विटी सेल आउट करी थी? वो करीब इनको हमने दिया है 65% दिया है, और 65% में 18% जो है वो स्वैप का था उनके शेयर से। अच्छा, तो 65 में 18% घटा दिए, वो अबाउट 40 समथिंग था जो कि इनको हम दिया। ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ के आसपास। ठीक है, 3000 करोड़ जो कैश अप फ्रंट था। बाकी 80% था स्वैप करके, तो हमने बैजू के शेयर बढ़ जाए तो उसमें अब उसकी वैल्यू हमारे 2000 करोड़ हो जाएगी। मीमर्स को के लिए कंटेंट दे रहा हूँ अभी, बस आपको सिर्फ इतना लगाना है, ज़्यादा नहीं बस 3000 करोड़ दिए थे। जिस तरह से, जितनी सिंप्लिसिटी से सर ने बोला, ज़्यादा नहीं बस 3000 करोड़, इट्स गुड। लेकिन हाँ, जो आपने मेहनत करी थी और जितना बड़ा आपने साम्राज्य खड़ा किया था उस हिसाब से काफी कम है। 1200 करोड़ ब्लैक सोइल दिए थे जब दिए थे पहले। 1200 करोड़ ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल, सोइल या ब्लैक स्टोन? ब्लैक स्टोन, बहुत बड़ा फंड है, 800 बिलियन डॉलर का फंड है। ठीक है, अमेरिका का। तो उन्होंने 1200 करोड़ रुपए 35% शेयर के लिए। ओके, ठीक है, बट स्टिल यू ओन द बिल्डिंग्स, जैसा आप बता रहे थे कि बिल्डिंग सारी आपकी ही है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। बाकी उन्होंने सिर्फ नाम लिया है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उन्होंने संभाला है। सारा स्टाफ, टीचर, सब उन्हीं के पास है। तो सर ये बताइए, इतना कुछ करने के बाद, इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद, देन यू स्टार्टेड चौधरी न्यूमरो प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट? आपने न्यूमरोलॉजी सीखी उसके बाद या उससे पहले ही आप सीख चुके थे न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी में करीब करीब 1984 में सीख गया। मतलब ये सब करने से भी 10 साल पहले, 1994 में आप बता रहे हो कि आपने शुरू किया था ये? 88 में शुरू किया था। हाँ, 84 में मैं हरिद्वार गया। हाँ, ओके। तो वहाँ मेरा साला रहता था। ठीक है, तो उसको न्यूमरोलॉजी शौक था। ओके, ठीक है, वो बोले जी आओ सिखाते हैं आपको। अच्छा, मैंने सिखाओ, तो मुझे रात को सीखते सीखते बड़ा मजा आया। मैंने रात को सोने नहीं दिया उसको, पूरी रात में सिखाता रहा। नेक्स्ट डे उसके ऑफिस से छुट्टी करा दी मैंने, 12 घंटे नेक्स्ट डे में लगा रहा। सिखा तो मुझे मतलब इतना इंटरेस्टिंग साइंस लगी कि लगा टाइम पास करिए बहुत अच्छी चीज़ है। टाइम पास के, अब जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ जी, तो वहाँ पर कोई आदमी का नाम लिखा हुआ हाथ के ऊपर, तो उसका नाम देख के कैलकुलेट किया और उसको सारा बताना शुरू कर दिया वो गाड़ी में, कितने तू ऐसा है ये है। उसको देख के दूसरा भी कहता बाबूजी मेरा बता दो। हाँ, उसने बता दिया, तो पूरा जम्मू तक पहुँचते पहुँचते सारी बॉगी की कैलकुलेशन कर दी मैंने। मजा आ रहा है, मतलब टाइम निकल, सही बात है, टाइम पास हो रहा है। तो बताते थे हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, तो मुझे कन्फर्मेशन होती जा रही थी कि ये नंबर कहाँ क्या कितना ठीक है कितना नहीं है। सही बात है, तो दैट आई स्टार्ट विद दैट। हाँ, मतलब इज्जत बढ़ जाती है। अभी थोड़ा बहुत मैंने सीखी, थोड़ी बहुत मतलब, क्योंकि मेरी सिस्टर ने अभी सीखना शुरू किया, उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हुए 1.5 लाख। मैंने उससे सुनते सुनते सीखा थोड़ा, तो अभी बैंगलोर में मैंने 2-4 लोगों को ऐसे ही बताया, इज्जत बढ़ जाती है अचानक से उनकी आंखों में हमारी। जैसे 6 नंबर है किसी का, तो उनको बोल दिया तुम लोग को लग्जरी बड़ा पसंद है, फेम बड़ा पसंद है, तो अचानक से उनका ऐसे हाँ यार हाँ। तो ये है, ये काफ़ी बरेली में जाता था बस में अपने सिस्टर के पास जी, तो उस बस में बैठे सब लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, फ्लाइट में मिलते हैं जो लोग उनकी कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं एज ए शौक के तौर 35 साल तक करता रहा। ठीक है, और उस टाइम पे जो लोग थे अपने क्वेश्चंस मेल के द्वारा भेजते थे, संडे का दिन उनके जवाब देता था। Wow. It was all complimentary for your cost. This is sort of passion for you. मतलब थोड़ा सा मजा आने लगा इसमें, शौकिया तौर पे। मुझे मतलब respect काफी मिलने लगी। हाँ। फिर जो बता रहा था लोग कहते हैं ठीक है, ऐसा हुआ। तो आई फेल्ट कि इट इज़ ए गुड प्रोफेशन, गुड प्रोफेशन। अब मैं बैजू के बाद फिर आकाश तो बंद हो गया, तो अब क्या करें। आकाश का नाम भी आपने डबल ए, वो नाम चेंज किया सर, नाम आपने चेंज किया भाई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो ये अब सारा मतलब ये लगा कि अब इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है, तो सब कुछ आता था ही मेरे को, तो सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहा था उसको। तो आई स्टार्टेड, और स्टार्ट होते ही इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ गया। 75 ईयर्स की एज में काम करने का और इतना मतलब जज्बा भी कैसे आ रहा है, मतलब क्या ऐसे लाइफ के मिशंस कह लो, पर्पस कह लो, वो व्हाट वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग, व्हाट ड्राइव्स यू अभी करेंटली? मेरा मतलब को अच्छा काम करो, खाली बैठ के क्या कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए जब तक हाथ पैर चल रहे हैं,
इंसान काम करता रहना चाहिए, माइंड भी ठीक रहता है, सेहत भी ठीक रहती है और एवरीथिंग रिमेंस ऑल राइट। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ 2016 से आई थिंक, और जब से काम कर रहा हूँ मतलब 17 साल 18 साल की एज थी मेरी उस टाइम पे, तो दिमाग में एक चीज़ रहती है ना कि जल्दी से जल्दी कमा के और 2030 तक मान लो या 30 साल की उम्र जब तक मेरी होगी तब तक मैं कमा के वो कर लूँगा और उसके बाद मैं इन्जॉय करूँगा, आराम से बैठूँगा, चिल करूँगा। तो आपकी एज में मैं जानना चाहता हूँ कि मज़ा नहीं आता क्या आराम करने में, मन करता है कि फिर से काम करूँ जाके, ऐसा होता है? व्हाट हैपेंस कि जब आप बहुत सारा पैसा बना चुके हो तो फिर अगर आप शांति से बैठे हुए हो, सिर्फ आपका मन कर रहा है घूमने का, तो उस टाइम पे क्या आता है अंदर शरीर में? पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, ये जब पैसा आ जाएगा तब आप महसूस करेंगे। अभी तक तो जिस एज में आप है, जैसे मेरे तो उस टाइम समझ नहीं आती बात है, उस टाइम अपना पैसा होना चाहिए और आप लगता है कि पैसा करोगे क्या, इट्स ओनली फिगर, अदरवाइज तो वही एक रोटी खानी है, दो रोटी खानी है, इससे और क्या करना है। तो आपको जब आप पढ़ते हैं, काम करते हैं, किसी को बताते हैं, वो कहता है जी मैं बड़ा भला हो गया मेरा आपके बताने से, तो मेरे वो एक विनती है व्हेन ही सेज आई हैव डन गुड इन लाइफ विद अदर यू, तो वो कीप्स ऑन मूविंग योर थिंग्स। क्रिएटिंग इंपैक्ट इज द ट्रू प्लेजर इन दिस लाइफ, इंपैक्ट कुछ क्रिएट हो रहा है, किसी का भला हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कभी लाइफ में ये चाहा नहीं कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, मेरी इच्छा नहीं थी कभी भी, मेरे को एक ही नशा था पढ़ाओ पढ़ाओ और बच्चों के चेहरे पे जो खुशी दिखती है, रिजल्ट आता है, सिलेक्शन होती है, वो उसी मदद था बस, और किसी ने एवरी ईयर मतलब ऑलरेडी 30 साल तक ऑलरेडी फर्स्ट रैंक आता था एवरी ईयर, वो एक बूस्ट था हमारे लिए। यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीखने को मिलती है जो कई बार आपको सेशंस के अंदर बोलते भी हैं हम लोग भी, कि कर्म वही वाली बात कि आप वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान दो, चीज़ बड़ी अपने आप बनती चली जाती है। आपने सिर्फ वैल्यू को क्रिएट करने पे ध्यान दिया कि मैं जितना अच्छा पढ़ा पाऊँ और जितना अच्छा मेरा बच्चा क्लियर कर पाए, तो वो चीज़ अपने आप बड़ी बनती चली जाती है। कई पेरेंट्स के फ़ोन आते थे कि हमारा लड़का फर्स्ट आया आनी हमें आपके यहाँ से, आपने हमें मुबारकबाद दे दी। मैंने कहा भैया मुबारकबाद कैसे दें, एक क्लास के बच्चे पढ़ के डॉक्टर बन गए 11वीं वाले, फिर 12वीं में आ गए, एक बारात गई है दूसरी आ गई है, तो हम तो काम में लगे हुए हैं, हम तो उसे लग गए, और तुम्हारा बच्चा यहाँ से पढ़ के गया, तुम ही चल के आ जाते, मिठाई खिला जाते, हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हो, हम तो काम में लगे हुए हैं। तो वही चीज है, मतलब हमारे को कोई ऐसा वो नहीं था। हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो। इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच, लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। सर न्यूमरोलॉजी में मेरे बारे में कुछ बताएंगे? लाइव ट्राई करें थोड़ा सा ऑडियंस के लिए। चलो क्या बताऊं आपको अपने बारे में, डेट ऑफ बर्थ बताऊं? नाम और डेट ऑफ बर्थ। नाम है मेरा आशुतोष कुमार प्रतिहस्त, मैं लिख के दे देता हूं आपको, देना जरा लाइव करें या अच्छा सर पास है, आशुतोष। तो बताइए क्या क्या, क्या क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन पूछूं? मैं आपको बताता हूँ आपके बारे में। हाँ मेरे बारे में बताओ। पहली चीज तो ये कि आप एज ए लकी इंसान पैदा हुए हैं। क्या बात है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/2। हाँ और ये साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर आपस में दोस्त हो तो इंसान लकी कहा जाता है, इसका मतलब उसके लेस एफर्ट से रिटर्न ज़्यादा आते हैं हमेशा। अच्छा, तो देट इज योर लकी पर्सन। अब 70% हम लक इसी से डिसाइड करते हैं डेट ऑफ बर्थ से ही, और जो नाम से 30% डिसाइड करते हैं। जो आपका नाम है 6 नंबर है, वो 6 नंबर 1 का भी एंट्री है 2 का भी एंट्री है, तो 30% जीरो हो गया। अच्छा, इसका मतलब जितना आपको लाइफ में अब तक अचीव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ योर नेम, ये अनलेस उसका।
लेकिन अगर मैं कुमार को यूज नहीं करता हूँ सर, तो कुमार को यूज नहीं करता, मैं ज्यादातर आशुतोष प्रतिहस्त ही यूज करता हूँ। फिर आपका नाम 7 और 2 9 हो गया। हाँ, फिर भी एंटी है क्या? 9 इन दोनों फ्रेंड है। फ्रेंड है? हाँ फ्रेंड है ना। हाँ तो ठीक चल रहा है। तो कुमार को आप हटा दो। हटा दिया सर, ऑफिशियली हटा दो। सिर्फ आधार कार्ड पे है, ऑफिशियली कैसे हटाएं? आधार कार्ड अखबार में दे दो। अच्छा, कि मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आधार कार्ड के अंदर हटवा दीजिए। ठीक है, ओके। सर्टिफिकेट में हटवा दीजिए, पासपोर्ट हटवा दीजिए। ठीक है, तो आपको तो अच्छा बना नाम, आपने कुमार लेके खराब किया हुआ। मैंने नहीं, पिताजी ने, पता नहीं था ना उनको। तो ये 9 आते ही यू आर वेरी लकी, एवरीवेयर यू विल बी सक्सेसफुल। और लोशु ग्रिड क्या होता है? चाइना के अंदर लोशु ग्रिड चलती है। हाँ, लोशु ग्रिड में क्या करते हैं, यहाँ पर ये ऐसे 3 वर्टिकल लाइन लगाते हैं। हाँ, 3 हॉरिजॉन्टल लगाते हैं। ठीक है, तो हर एक के अंदर एक नंबर फिल कर देते हैं, जैसे यहाँ 4 आएगा। हाँ, या 9 आएगा, या 2 आएगा। हाँ, या 3 है, 5 है, 7 है। हाँ, तो हर एक जो है यहाँ पर 8 है, और ये 1 है, 1 है, और 6 है। हाँ, तो ये नंबर फिक्स है। हाँ, ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड है लोशु ग्रिड। हाँ, तो इसमें जो 5 एलिमेंट हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 9 नंबर है फायर करता है, ये 1 नंबर वाटर रिप्रेजेंट करता है, 3 और 4 वुड एलिमेंट कर देते हैं, ये मेटल एलिमेंट करते हैं, ये 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट है। अच्छा, ओके, 5 एलिमेंट है जिससे यूनिवर्स बना हुआ है। किसी में अगर मान लो ये खाने पूरे नहीं बने हुए हैं, जो खाने खाली भी होते हैं, इसलिए वो करेक्टर उसके अंदर नहीं है, वो कर्क उसमें नहीं है। समझ गया। कई 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 हमें 6 नंबर 3 बार होता है, 4 बार होता है, 5 बार भी होता है, रेपिटेशन होती है 1 नंबर की, तो वो भी हो जाता है। हाँ, कई में 9 नंबर 3 बार होता है, वो ऐसे होता है शायद रिवेंज लेके रहेंगे, उनको रिवेंज लेने की आदत होती है। 9 नंबर मंगल का होता है, एग्रेसिव होता है। हाँ, एग्रेसिव होता है। होता है 2, जब तक 9 नंबर 2 है तो बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। अच्छा, तो उसे ऊपर 3, 4, 5 हो तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। कोई भी नंबर या 9 नंबर? कोई भी नंबर 3 से ऊपर जितने भी है वो नेगेटिव होते हैं। अच्छा, ओके। एक आदमी नंबर वाला स्पीकर अच्छा है, 2 नंबर वाला बहुत ही अच्छा है, फिर 3, 4, 5 बना जाएंगे तो वो बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा, मतलब ये तो वो वाली बात होगी, लूडो खेलते हुए 3 बार 6 आ गए तो बेकार हो गया, 2 बार आए तो बहुत अच्छा है। ओके, नाइस। तो आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं? वास्तु में होम की करता हूँ मोस्टली। अच्छा, घर की करते हो, बिजनेस और सेंटर्स वगैरह की नहीं करते? सेंटर्स के नहीं करते, वैसे ध्यान रखता हूँ उसको भी, जैसे हमारा हॉस्पिटल खुला है। हाँ, तो हॉस्पिटल के अंदर एक ब्रह्म स्थान है। हाँ, खुली जगह होती है जहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन होती है, वहाँ उन्हें माँ वैष्णो देवी को जगह बना दिया बैठा के, ताकि कोई भी मरीज अस्पताल में आए तो सबसे पहले माँ के दर्शन करें। और ये एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है पूरी हॉस्पिटल के अंदर। करेक्ट है, इट गिव्स वेरी गुड इम्पैक्ट। तो अंदर भी खुशी मिलती है कि माँ को हमने यहाँ पे बैठा रखा है, तो प्रॉपर जगह पे उनको बैठा रखा है, वो जरूरी है। सारी जो दर्द है, दुख है, जो इंसान पीड़ा में आ रहा है, वो सब थोड़े हद तक तो एब्जॉर्ब हो गई। हाँ, तो जरूर होता है। समझ गया। अब हमारे हॉस्पिटल में अगर हम जाएं तो जितने पेशेंट बैठे हुए हैं, आप हॉस्पिटल तो ये रहा हमसे 100-200 लोग बैठे हैं। हाँ, आपको किसी के चेहरे पर परेशानी दिखाई देगी, किसी और हॉस्पिटल में चले जाओ आपको मरीज दिखाई देते हैं। ये मरीज भी ऐसे होते बात कर रहे हैं जैसे हैप्पी एनवायरनमेंट है, वेरी पॉजिटिव। तो ये जो आप अभी न्यूमरोलॉजी वाला कर रहे हैं, इसमें आप क्या विजन देख रहे हो, जैसे आप ही कर रहे हो या आपके साथ टीम भी है इसके अंदर, जो कंपनी आप एस्टैब्लिश कर रहे हो अभी चौधरी न्यूमरो? कैलकुलेशन मैं ही करता हूँ। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया की टीम हमारी, फोटोग्राफर्स वगैरह सारे वीडियो बनाते हैं। तो टेक के माध्यम से सर इसको बड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए मैं अभी देखता हूँ, आपसे सवाल है चलो मेरा, कि अभी कुछ कंपनीज है मार्केट में, आई एम श्योर आप जानते होंगे, जो कि बहुत ही गलत तरीके से प्रमोशंस भी करते हैं, बहुत गलत तरीके से एड्स भी करते हैं, और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती उनके एस्ट्रोलॉजर्स की। आपने देखा है ऐसे एड्स को? करते रहते हैं लोग, करते रहते हैं ना, एजुकेशन में करते हैं। हाँ, किसमें? एजुकेशन में भी करते हैं। तो अगर हमें प्रीमियम क्लाइंट को कैटर करना है, जैसे कोई इंसान अगर बहुत सस्ते में दे रहा है तो उससे अट्रैक्ट होगा टायर 3 टायर 4 का ऑडियंस, जो कि जिनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत कम होती है। लेकिन अगर हमें प्रीमियम क्लाइंट के लिए करना है, तो प्रीमियम क्लाइंट कभी भी सस्ते के चक्कर में नहीं जाएगा। जैसे मान लो यही है, ये किसी ऐसे ऐप पे नहीं जाएगा
ये 10,000-15,000 रुपए खर्च सकता है लेकिन नहीं जाएगा सस्ते पे, तो आप कुछ ऐसा प्रीमियम क्यों नहीं बिल्ड कर रहे हो अभी? मेरे लिए तो सारे इंसान बराबर है। अच्छा, प्रीमियम को मैं क्यों इम्पोर्टेंट दूँ? मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि कोई NRI है या कोई बंदा है, वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है कि अच्छा और क्रेडिबल एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पे मिल जाए। एक घंटे का 1.5 लाख रुपए कंसल्टेशन होता है, ठीक है? तो मुझसे कहा गया है लोग इतने पैसे नहीं देंगे। हाँ, मैं कहा नहीं देंगे बंदे। हाँ वही वही, मुझे कौन सा, मेरे बच्चे रो रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे पास पैसों का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं तो अपनी मर्जी से करूँगा। हाँ, तो उत्तम नगर से हाँ 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं लोग, दे रहे हैं लोग, दे रहे हैं डिफरेंट यूपी के कई शहरों से, हाँ सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, वो तो दे रहे हैं। हाँ, बट इन इंडिया इन द वेरी फोर्थ क्लास लोकेलिटी पीपल आर पेइंग दिस अमाउंट। तो उसमें क्या क्या कंसल्ट करते हो? जो सवाल पूछते हैं, जो भी सवाल पूछते हैं निम्रो के हिसाब से, न्यूमरो के हिसाब से जो मेरी कैपेबिलिटी बताता हूँ, जो नहीं आता मनाई करता हूँ। सर न्यूमरो और एस्ट्रो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जितना मैंने समझा है, मेरी समझ कहती है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। आपको लगता है ऐसा? यस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा नहीं एक्यूरेट है ना? उसमें टाइम फैक्टर को लेते हैं, हाँ प्लेस को भी लेते हैं, हाँ तो टाइम से एक्यूरेसी फैक्टर ज़्यादा आता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे योग होते हैं, याद रखने पड़ते हैं, वो मेरे से बस का नहीं था योग करना। तो न्यूमरोलॉजी मुझे बड़ा ईजी लगा, इधर नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए और कुछ चाहिए, इसे कैलकुलेट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जो है ना, ये आपको एक्चुअली रास्ता दिखाती है, ये आपको कोई रिच नहीं बनाती, ये आपको गाइडलाइन देती है, गाइडलाइन देती है क्या करो उससे क्या आपकी नहीं करो। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। समझा। अच्छा, आकाश ने हेल्थ केयर में भी बहुत बड़ा नाम एस्टैब्लिश किया है, तो हॉस्पिटल्स में हम क्या वास्तु स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिससे पेशेंट की रिकवरी हीलिंग वगैरह अच्छे से हुआ? वो तो आपने बता ही दिया ये तो। हाँ, रखते हैं रखते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन कहाँ लगाना है, हाँ साउथ ईस्ट में लगाना है, वो मोटे मोटे जो चीज़ें मेन सारी चीज़ों नहीं देखते, ऑपरेशन थिएटर कहाँ पे लगाना है या सर्जरी होनी है, कौन सी डायरेक्शन लगाना है, तो मेन मेन चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है वो कर देते हैं। और जो कंपनी का जो MD है उसका रूम कहाँ पर होना चाहिए, हाँ। बाकी कुछ चिंता नहीं। तो कोई एक आम आदमी सर अगर अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहता हो न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में बेहतरी के लिए, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? उसे सीखना चाहिए या उसे कंसल्ट ही कर लेना चाहिए किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को? पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं करना क्यों चाहता हूँ, हाँ क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर एक न्यूमरोलॉजिस्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, अगर वो क्वालिटी नहीं है तो उसको बनानी चाहिए। पहली चीज़, जो आदमी आपके पास आ रहा है वो आदमी परेशान है, सही बात है, खुश तो है नहीं, सही बात है, और वो परेशानी में आके आपको सारे फैक्ट्स बताता है, झूठ नहीं बोलता, घर में झूठ बोल सकता है, आपके सामने बोलेगा, तो उससे उसके कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी आपको पता लगाती है। तो उस आदमी में इतना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एक हाथ की चीज़ दूसरे हाथ को पता नहीं, इसको मुझे पता है और किसी को पता नहीं। कई लोग क्या करते हैं, बहुत जब बैठ जाते हैं पार्टी वार्टी में तो बताते फलाना आया था, ये नहीं होता, सही बात, तो वो एक विश्वास तोड़ने वाला काम हो गया, दैट्स अगली बार को उसको जाएगा भी नहीं, उसको पता लग जाता कहीं ना कहीं से, घूमती है बात, दुनिया तो छोटी है। तो इसलिए आदमी को बड़ा एक गहरा होना चाहिए, अपने तक रखे किसी की बात जो है, देन ही इज फिट फॉर दिस। और उसको जो है लोगों को चाहे देख लिया मैं टेबल बना के, ये इसमें सारा ख़राब है, अब सारा ख़राब है तो मैं बता दिया तेरा तो सारा ख़राब कुछ हो, ऐसे नहीं बता सकते बंदा, ऐसा बता दिया वो आदमी तुम्हारे पास एक विश्वास लेके आया है, पैसे भी देके जा रहा है और तुम तो उसको डिस्करेज करके भेज रहे हो, दैट इज़ नॉट द अप्रोच। अप्रोच है उस ख़राब में भी जो उसके अच्छे पॉइंट्स हैं वो बताओ, वो उनको बताओ और मोटिवेट करो उसको, और धीरे धीरे उसके उपाय बता दो ताकि ये भी करता रहे, मतलब उसको एनकरेज करके भेजें ठीक तरीके से, ये नहीं झूठ बोल के भेजें, ठीक तरीके से वर्ड्स का यूज जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो दैट ही शुड डू इट। और पैसों की कोई इसमें लालच वाली कोई बात नहीं, जैसे मेरे से किसी ने कंसल्टेशन दी उसके बाद फोन आ गया कि मैं 2 सवाल भूल गया, भूल गया बता दे आप, अब बता दे आप, बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर आज के टाइम पे बहुत सारे यूथ हैं जो रश्ड फील करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने 42 साल की एज में भी एक
एंटरप्राइज खड़ा करने की कोशिश करी। सेम स्टोरी है ऑलमोस्ट, जैसे एक एज आने के बाद KFC के फाउंडर का हम लोग सुनते हैं और काफ़ी बात भी करते हैं कि एक एज खत्म होने के बाद उन्होंने अपना बनाना शुरू किया अपना एम्पायर। आज की एज में 18 साल का लड़का भी बहुत ज़्यादा रश में रहता है कि यार मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरे को जल्दी जल्दी मिलियनेयर बनना है, मेरे को जल्दी जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है। बिकॉज सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं था, आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ये बंदा बहुत ग्रो कर रहा है ना, इसके पास बहुत सारा पैसा है। तो यूथ को आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहोगे? अगर आपको ही अपने यंगर सेल्फ का एडवाइस देना हो तो आप क्या एडवाइस दोगे? मैं तो छोटी छोटी बातों सीखा हूँ। ट्रक के पीछे लिखा होता है मिलेगा मुकद्दर, मिलेगा मुकद्दर, जो जो लिखा है वही मिलना है। तो जो मिलेगा मुकद्दर, जो मिलेगा मेहनत कर रहा है उससे मिलना नहीं, उससे पहले भी नहीं मिलना। तो आप मानते हो कि भाग्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सोलर है। वरना एक आदमी 2 रुपए लेक्चर पढ़ाना शुरू करके और $1 बिलियन कमा रहा है, भाग्य नहीं तो और क्या है? भाग्य नहीं तो और क्या है? लिख लो, बहुत जरूरी चीज है। मेहनत तो सब करते हैं, मेरे से ज्यादा करते हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, सब चीजें। लेकिन जो पिछले जन्म में कोई काम किए अच्छे, या अब इस तरह में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसका इम्पेक्ट आता है। जिंदगी में मेहनत से ज्यादा दुआएं काम करती हैं। मैंने देखा, मैंने प्रैक्टिकल किया है सारे। मैं लोग, मेरा आश्रम भी है, आप कभी वृंदावन गए हो? गया हूं। तो वहाँ एक माँ वैष्णो देवी धाम है, एंट्रेंस पे ही हाईवे पे 141 फुट की माँ की मूर्ति है, वो मैंने बनवा रखा है। तो मैं माँ वैष्णो देवी बहुत मानता हूँ, तो वो 14 साल आ गए उसको बना लिया है। तो वहाँ जब लोग जाते हैं, चवनियाँ ठन्नियाँ फटा नोट वगैरह देते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई तू गला नोट दे के जा रहा है, चवनी दे के जा रहा है, तेरे वापस क्या देगी वो? तेरे को चवनियाँ ठन्नी देगी। तू यहाँ पे 2000 का नोट डाल, उसके 8 हाथ हैं, 16 करके वापस करेगी। जितना ज़्यादा दान करोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। समझ नहीं आती लोगों में, लोगों को ल अक्षर का पता है, द अक्षर का नहीं पता, लेना आता है देना तो नहीं। मैं तो देते समय कभी आता गिरा ही नहीं मेरे पास से, कितने पैसे क्या निकाल ला देता हूँ। मेरी वाइफ भी कई बार कहती है गिन तो लोग कितने दे, मैंने कहा भाग्यवान है, गिनने का काम मत कर, ब्लाइंड चल रहे दो, वो भी छप्पर फाड़ दे रहा है, अगर हमने गिनना शुरू कर दिया वो भी गिनेगा, वो गिनने का नुकसान है। वो गिन लेगा तो नुकसान है। तो दिल को समझाने की बातें हैं। फिर मेरे को लगा कि अभी जिंदगी में और कुछ करना है, जाना नहीं ऐसे जब तक कि अपनी इच्छा पूरी नहीं कराए जी। तो मैंने वहाँ पे 4 धाम बनवा दिया वृंदावन में, वहाँ पे माँ वैष्णो देवी की मूर्ति के आगे महादेव धाम बनवा रहा हूँ, 166 फुट की मूर्ति महादेव की, शनि धाम बनवा रहा हूँ, राधे कृष्ण धाम बना रहा हूँ, ये मिला के 4 धाम कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या बात है। तो ये अगस्त में सारा तैयार हो जाएगा, जब मैं 1 लाख आदमी पर डे वहाँ पे आएंगे। 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है वहाँ आएंगे, टोटल उसमें 18 एकड़ में है बना रहे। तो हमने जो बैजू ने पैसा दिया है, किसी ने दिया, हमने 7 तो लेकर जाना नहीं, हमने इससे अच्छा पैसे यूटिलाइजेशन ही, तो ये समाज पर खत्म करते हो काफी हो। वहाँ लोग दुआएं लेके जाते हैं, इतना अच्छा मंदिर बनवा दिया, किसने बनवाया, तो दुआएं हमारे काम आती हैं, उससे हम आगे बढ़ते हैं, जितना देते हैं उतना बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। जितना कम करोगे नहीं बढ़ेगा, एक बार देख देखो करके देखो। समझ गया समझ गया। और यूथ के लिए क्या कुछ? यूथ इम्पेशेंट ज़्यादा है, चाहे मैथड ठीक हो या गलत हो, उनको पैसा चाहिए, पैसा करेंगे क्या? एक ऐसा लम्हा आता है जिंदगी में जो आदमी बैठ कर अपना हिसाब किताब खुद देखता है, मैंने क्या किया लाइफ में, और कई बार ऐसे याद आता है कि ऐसे गंदे काम कर दिए जो कि आपको माफ नहीं कर पाते, अपने आप खुद को ही माफ नहीं कर पाते इंसान। तो सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है इंसान के लिए, कभी कभी सो एज टू सी वेयर इज गोइंग। तो अगर उसको लगता है, आवाज आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसको रोक देना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सर मेरे दिमाग में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को यहीं पे वो करना, क्योंकि
ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट ऑडियंस भी देख नहीं पाती क्योंकि वो अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम है और लोग कम देखना चाहते हैं, तो उसको वायरल हमें बनाना है इस पॉडकास्ट को। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हो। अगली बार जब मौका मिलेगा अगर, तो मैं सर से आपके क्वेश्चन भी ज़रूर पूछूंगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप मेरी जगह पर होते अभी तो आप अपने आप से कौन सा ऐसा सवाल पूछते जो मैंने अभी तक नहीं पूछा? सक्सेस का राज क्या है? यस, बताइए सर। हर पल हर लम्हे 24 घंटे माता वैष्णो देवी का नाम हमारे होंठों पर रहता है, वो हर वक्त धन्यवाद देते हैं, तो उन्हें सबसे पहले इंसान बनाया जो कि सबसे यूनिक एनिमल है, सारे अंग ठीक दिए, लूना लगना ने पैदा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद देते रहिए और धन्यवाद देते हो कुछ मत मांगो, वो अपने आप देता रहेगा। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान किसी का ग्रैटिट्यूड रिपे नहीं करता है, बताता नहीं, तो वो फिर आदमी ठीक नहीं है। तो मैं तो, मेरे तो किसी ने 2 पैसे की हेल्प की, मैंने उसको 2 रुपये की, मैं रखा नहीं किसी का। और ईश्वर के मामले में तो बिल्कुल नहीं, हमारे जो कर्म आया सारे देख रहा है वो, चाहे हम पतली गली में जाकर काम कर लें, चाहे कूड़ी गली में कर लें, सब उसको पता है, उसे छुपा कुछ नहीं। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि उसका धन्यवाद करे, तो उन्हें सही सेहत दे दी है, सही दिमाग दे दिया है और ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, इतना चाहिए नहीं था। तो अब देने वाला तुला हुआ तो क्या कर सकते, देने वाला तुला हुआ तो क्या कर सकते, सही बात है। तो कोई अच्छे कर्म किए होंगे लाइफ में, खाली मेहनत से तो नहीं हो सकता, ये मेहनत से तो नहीं हो सकता, सही बात है सर, नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने में। आपको कैसा लगा आप थोड़ा बता सकते हैं? मुझे अच्छा लग रहा है पक्का। हाँ चलो, थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं जल्दी।